हेलो हेलो। यस मिस। हेलो यस वालेकुम। हेलो मिस अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी मिस। आपको आवाज आ रही है सबको? जी हेलो बेटा, जैसे कि आपको पता है कल हमने स्टार्ट किया था मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी। कल हमने इनकी कहानी के बारे में एक अजमाली नज़र डाली थी कि मौलवी नज़ीर अहमद कौन थे, क्या थे, उनका शाहिद अहमद देहलवी के साथ क्या रिश्ता था, और शाहिद अहमद देहलवी जो उनके पोते थे उन्होंने उनका खाका लिखा, और गंजीनाए गौहर तो उनका बहुत मशहूर खाकों की किताब थी, उस पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो उनके यहाँ गए और कैसे उनकी मुलाकात हुई और किस तरह की शख्सियत के वो मालिक थे और किस तरह गवर्नमेंट की जॉब करते थे, और उनको यूरे जंग का खिताब भी मिला, लेकिन उन्होंने वो लेना पसंद नहीं किया। अब हम आगे कदम बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज हमारी इस कहानी की एक्सरसाइज, मैंने जैसा कि बताया था कि आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और इससे भी इस बताऊंगी, तो देखिए आपको स्क्रीन पर सवाल आप नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल देखिए, मुसन्निफ ने मौलवी नज़ीर अहमद को पहले पहल कब और किन हालात में देखा? अब ये बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जब कहानी पढ़ी और मुसन्निफ ने हमें ये चीज बताई 5 साल की उम्र में खारी बाउली के मकान में दिल्ली में देखा था, यानी किसी शख्स का नाम तो बता के बता रहे हैं कि दिल्ली में मैं 5 साल की उम्र में था कि मैंने वहां देखा मौलवी साहब की दाढ़ी सफेद हो चुकी और सर्दी से बचने की खातर उन्होंने कन टोप पहन रखा। दूसरा देखिए, सबे मौलवी नज़ीर अहमद के लिए हैदराबाद दक्कन में क्या खिताब तजवीज़ हुआ था? तो हैदराबाद दक्कन में मौलवी साहब के लिए इस खिताब को चुना गया था। जी बताइएगा फातिमा, क्या खिताब था उनके जी लिए? मैं गयूरे जंग।
बेटा फातिमा जी जी। फातिमा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी तैयबा, तैयबा इजाज जी। बेटा हमने कल कहानी पढ़ी, उसमें आपको पढ़ के बताया था कि उनको क्या खिताब मिला था। मिस गई उड़े जंग का। जी किसी को जवाब नहीं आता। मिस गई उड़े जंग का निकल, आपसे कहा था कि इसको पढ़ा कीजिए। महरीन मिस गई उड़े जंग का। जैनब सब तरफ साइलेंट है। मिस गयूरे जंग का खिताब मिला था। बताइए गयूरे जंग का। मौलवी नजीर अहमद को दिल्ली हैदराबाद दक्कन में क्या खिताब तजवीज किया गया था? गयूरे जंग का। बेटा आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही। मेरी आपको आ रही है आवाज? जी यस मिस आ रही है। सब अपनी स्क्रीन्स ऑन करें। अपने कैमराज ऑन कीजिए। जी बेटा गरीबा नजीर, गरीबा जी बेटा, बेटा मुझे पता तो चलना चाहिए किसको मेरी आवाज जा रही है या किसकी मुझे आ रही है। मिस आ रही है आपकी आवाज। तो इतना मुश्किल सवाल मैंने नहीं पूछा। मिस आपकी आवाज आ रही है। हैदराबाद दक्कन में मौलवी नजीर अहमद को क्या खिताब तजवीज हुआ था? गयूरे जंग का। बच्चे को इसका जवाब नहीं आता। क्या खिताब दिया था कि जिसको आपने कबूल भी नहीं किया था, गयूरे जंग का कबूल करने से इनकार कर दिया था। हेलो हेलो आर यू लिसनिंग मी? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मिस। हेलो जी मिस। बेटे आप लोग आगे से जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं बोल रहे? सब बच्चे बारी बारी प्रेजेंट करके बोले। महरीन प्रेजेंट मिस। जैनब प्रेजेंट मिस। अरीबा प्रेजेंट मिस। जैनब प्रेजेंट मिस। फातिमा
प्रेजेंट तैबा हुमायल हुमायल नईम यस टीचर जी मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि मौलवी साहब को हैदराबाद तक करके कौन सा खिताब तजवीज किया गया था मुझे उसका जवाब अभी तक नहीं आया जी क्या लेक्चर को मैं यहीं ड्रॉप कर दूं बंद कर दूं आपको पढ़ाना नहीं सब बोल रहे हैं आपको हमारी आवाज नहीं आ रही है जी किसी का किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे मिस हम आप बोल रहे हैं कि यूरेज जंग का किताब एक मैंने कहानी तो नहीं पढ़ा मैंने ये बात कही थी कि मैं आप लोगों से सुनूंगी हमारे लाभ बताइए तुम्हें क्या खिताब तजवीज किया गया था हुमायल मिस अपना माइक ऑन कीजिए हुमायल यस मिस जी बताइए मुझे याद नहीं आ रहा आपको क्या खिताब मिला था जिसको आपने लेने से इनकार कर दिया था गयूरे गयूरे जंग का जी जी यूरे जंग का खिताब मिला था जी ये मुझे मैसेजिंग आनी शुरू हो गई है क्या बात है आपके माइक्स में प्रॉब्लम आ रही है यूरे जंग का खिताब तजवीज हुआ था शाबाश ये कौन सा बच्चा जवाब दे रहा है मुझे रिटर्न में आई थिंक कोई आवाज का इशू है चलिए बेटा मैं माइक्स और इसको चेक करती हूँ प्रॉब्लम बाकी आप लोगों की आवाज नहीं आ रही एक सेकंड बेटा मैं चेक कर रही हूँ यही तो चीज मैं चेक करना चाह रही थी कि मेरी आपको आ रही है तो आपकी मुझे क्यों नहीं आ रही हेलो बेटा मैं चेक कर रही हूँ आप लोग देखिए बोलिए यस मिस जी बोलिए आप में से कोई जी मैं हाँ जी कोई बोलेगा तो मुझे आवाज का पता चलेगा ना यस मैं हेलो मैं सब बोल रहे हैं बेटा आवाज आई है मेरी तो जा रही है उनकी नहीं आ रही हेलो जी यस मैं जी क्या मसला था माइक का जी ये देखिए किसने भेजा था कि गयूरे जंग का खिताब दिया था मिस हम सब भी बोल देते पर आपके आप तक आवाज नहीं जा रही थी मैं इसी चीज को तो बेटा चेक करने के लिए बार बार कर रही हूँ इसको चेक किया है अब आप लोगों की आवाज मेरे तक पहुंच रही
तो ये ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था कि आप लोग बता ना पाते? मिस हमें जवाब आता था, हम बोल भी रहे थे पर आपको आवाज नहीं जा रही थी। बेटा आप यही चेक किया ना, इसीलिए तो मैं कर रही थी कि आपके मुझे कैसे पता चलेगा। जी आगे देखिए अगला सवाल, रियासत जावरा के नवाब के भाई मौजदाती तौर पर कैसे ये सेहतयाब हुए? उन्होंने मौलवी नजीर अहमद को ख्वाब में देखा और मौलवी साहब की ख्वाहिश के मुताबिक उनका तर्जुमा कुरान छपवा दिया और मौलवी नजीर अहमद के कहने के मुताबिक मौजदाती तौर पर सेहत याब हो गए। मौलवी नजीर अहमद की कोहनियों पर गिट्टे कैसे पड़े थे, यानी वो मस्जिद के फर्श पर रात भर कोहनियां टिकाए कुरान पढ़ा करते थे जिससे कोहनियों पर गिट्टे पड़ गए। मौलवी नजीर अहमद का बचपन किन हालात में बसर हुआ? उनका बचपन बड़े शदीद और हौसला फरसा अफजानी लिखा हालात में बसर हुआ। वो सख्त सर्दी में मस्जिद की सफ में लिपट कर सोते, शाम को मुख्तलिफ घरों से रोटियां इकट्ठी कर मांग कर लाते और मस्जिद के मुल्ला के जुल्म व सितम का निशाना बने। जब एक हिंदू मुहासिब ने अलीगढ़ कॉलेज में लाखों का गबन किया तो नजीर अहमद ने सर सैयद से क्या कहा? जब उस शख्स ने गबन किया तो मौलवी साहब ने सर सैयद की ढारस बंधाई, तसल्ली दी और एक खतीर रकम की इमदाद देने की पेशकश की। सर सैयद इस खलूस से बड़े मुतासर हुए। जी अगला सवाल देखिए, मौसर तकरीर करने के जिम्मे में किन दो आदमियों का शोहरा था, यानी कौन से दो आदमी थे जिनकी बहुत शोहरत थी? मौसर तकरीर करने के जिम्मे में दिल्ली में मौलवी नजीर अहमद और इंग्लिस्तान में बर्क का शोहरा था। हिंदुस्तान में मौलवी नजीर अहमद के बाद बहादुर यार जंग की शोहरत, यानी अगर इंडिया में देखा जाए तो मौलवी नजीर अहमद और बहादुर यार जंग, और अगर इंग्लिस्तान में देखा जाए तो बर्क। मौलवी नजीर अहमद अपना तोशा आखरत किससे गर्दान देते, यानी किस चीज को समझते थे कि ये इनके लिए आखरत के सफर में आसानी का बाइस बने? तो मौलवी साहब अपने लिए तर्जमा कुरान को तोशाए आखरत गर्दान। देखिए इंसान अपनी आखरत के लिए कुछ ना कुछ सामान करता है। अब मौलवी साहब ने कोई नेकी करता है, कोई मस्जिद बनाता है, कोई यतीमों गरीबों की मदद करता है, तो मौलवी साहब का क्या काम था? उन्होंने जो कुरान पाक का तर्जुमा किया था वो समझते थे कि ये मेरे लिए आखरत में ज्यादा राह होगा, ये मेरे लिए आखरत के सफर के लिए काफी सामान है। अब आगे एराब है, मुहावरात है। अब सवाल देखिए जी, मौलवी नजीर अहमद को डैश बिल्कुल नहीं आती क्या चीज नहीं आती थी? ज़माना साज़ी। जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अपना वो ज़माना याद करके डैश हो गए आप दीदा। शाबाश। मुसलमानों की तालीम और तरबियत के बाब में वो सैयद अहमद खान के डैश थे। हामी और मददगार। बिल्कुल दुरुस्त। आगे देखिए, मौलवी साहब को अपनी तमाम किताबों में डैश ही पसंद था। बहुत सी किताबें लिखी थी मौलाना ने, लेकिन उनको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद थी? तर्जुमा कुरान, अल कुरान, तर्जुमा तुल कुरान। ठीक है जी बेटा, अब हम आपको इसकी एक सलीस का पैराग्राफ मैं करके बताती हूँ आपने किस तरीके से इसकी सीरीज करें। ये लाइनें देखिए, मौलवी नजीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, चिश्तार वाले खासे मुरफ़ाउल हाल। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम चले पैराग्राफ की तरफ तो स्क्रीन पे वो ये
स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, मौलवी नजीर अहमद बड़े गयूर आदमी थे, ससुराल वाले खासे मुरफ्फाउल हाल थे, मगर उन्होंने इसे गवारा ना किया कि ससुराल वालों के टुकड़ों पर पड़ा रहे। जब उनकी शादी हुई तो गालिबन 15 रुपए के मुलाजिम थे, इसी में एक अलग एक खुंडला लेकर रहते थे। मैंने बड़ी बुढ़ियों से सुना है कि उनके घर में सिर्फ एक टूटी हुई जूती थी, कभी बीवी इन लीतरों को हलगा लेती, कभी मियाँ जी। अब हम इसका क्या करेंगे, सबक का अनुमान क्या था, बोलते जाइए जल्दी से सबक का अनुमान जी। सबक का अनुमान मौलवी नजीर अहमद देहलवी, मुसन्निफ का नाम शाहिद अहमद देहलवी। अब हम इसका सियाक और सबाक या इबारत का मौका महल लिखेंगे। वो लिखेंगे कि शाहिद अहमद देहलवी मौलवी नजीर अहमद के पोते हैं। अपने इस खाके में वो उर्दू के सबसे पहले नॉवल लिखा, अपने जमाने के आलम और मुस्लिम मौलवी नजीर अहमद के बारे में अपने तासुरात बयान करते हुए लिखते हैं कि मौलवी साहब को उन्होंने 5 साल की उम्र में आखिरी बार देखा और यही मुलाकात उन्हें याद है, उसके अलावा उन्हें कुछ याद नहीं। आपने यानी कि मुसन्निफ का भी बता दिया, उनका रिश्ता भी बता दिया। मौलवी साहब एक बहुत बड़े अदीब थे, उनकी इब्तदाई जिंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजरी। मौलवी साहब बड़े हक को बेबाक और दयानतदार इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खुद बनाई थी, वो बड़े गैरतमंद थे, किसी का एहसान ना लेते, जमाना साजी उन्हें उम्र भर ना आ सकी, बेबाक मुकर्रर और जुरतमंद लीडर थे। सर सैयद से अगरचे इख्तलाफ रखते थे मगर हर मौके पर उनकी मदद करते। जेरे तशरीह पैराग्राफ में मुसन्निफ मौलवी साहब की इज्जत नफ्स और गैरतमंदी के बारे में तहरीर करते हैं, यानी इस पैरे में वो उनकी इज्जत और गैरत के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे थे। आगे आप करेंगे तशरीह। अब तशरीह में ये तो हमने मौलवी साहब की बातें, आदात, खसूसियात, उनका ताल्लुक सर सैयद से और दूसरों से बता दिया। यहाँ हम बता रहे हैं कि मौलवी साहब की इब्तदाई जिंदगी बड़ी तंगी कुर्सी और उसमें गुजरी, और ऐसे हालात में अगर इंसान को कहीं से भी किसी भी तरीके से माली फायदे का हसूल मुमकिन नजर आता हो तो बड़े से बड़े लोगों के पाँव डगमगा जाते हैं और इस्तकलाल में लर्जिश आ जाती है। मगर गैरतमंद और बाअसूल लोग किसी भी ऐसे मौके पर किसी भी बहकावे में नहीं आते। मौलवी साहब गैरतमंद और इज्जत नफ्स वाले इंसान, उनकी शादी जिस घराने में भी, वो अपने वक्त का एक आसूदा हाल खुशबाश अमीर और मुरफ्फा उलहाल घराना। अगर मौलवी साहब चाहते तो उनके ससुराली अजीजों का अरब मौलवी साहब को हर तरह का तावन फराहम कर देते, मगर मौलवी साहब की गैरत ने ये बात कबूल ना की। अब गवारा ना किया, कबूल ना किया कि वो किसी तरह भी अपने ससुराल वालों पर बोझ बने। जिस जमाने में मौलवी साहब की शादी हुई उस वक्त उनकी तनख्वाह 15 रुपए महाना थी, बज़ाहिर 100 रुपए किसी घराने के महाना अखराजात के लिए काबिल जिक्र रकम ना थी, मगर मौलवी साहब इस थोड़ी रकम में भी गुजारा करते। ससुराल वालों के टुकड़ों पर पड़ने की बजाय वो इसी तरह में एक कुंडला यानी मामूली सा मकान किराए पर लेकर अपनी बीवी के साथ रहते थे। खानदान की बड़ी बुढ़िया अक्सर ये जिक्र करती थी कि मौलवी साहब के घर में सिर्फ एक मामूली और टूटी फूटी जूती थी जिसे बारी बारी दोनों मियाँ जरूरत के वक्त पहन लेते थे। ये बात अलग है कि आगे चलकर मौलवी साहब जब आला ओहदों पर फाइज हुए तो उनकी तनख्वाह काबिल रश्क हद तक मुनासिब और मौजूद थी। हैदराबाद दक्कन में जो तनख्वाह मौलवी साहब को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर की हैसियत से मिला करती थी वो आज के किसी वजीर मुशीर से भी ज्यादा थी। मौलवी साहब को रुपए की कदर मालूम थी और वो रुपए को बहुत सोच समझ कर खर्च करते थे। इस गैरतमंदी की वजह से हैदराबाद दक्कन की तरफ से मुजव्वजा खिताब मयूर चंद भी कबूल ना किया। ये 3 लाइनों की तशरीह आपने देखी कि हमने एक पैराग्राफ में फैला दी। बातें वही थी जो कहानी के अंदर थी, उनकी खसूसियात थी, उनकी जिंदगी से मुतल्लिक।
क्या आपको पता चल चुका है कि सलीस आपने कैसे करनी है? जी प्यारे बच्चों, हेलो, अब आपको ये कहानी समझ में आ गई है? जी यस मिस, क्लियर हो गया। जी अब हम आगे चलते हैं, आगे हम एक खत को देखते हैं। हमने खत लिखना है अखबार के एडिटर के नाम, खत लिखना है जिसमें हमने लिखना है कि निजी चैनल्स पर इखलाक सोच प्रोग्राम, यानी जो इखलाकियात को खराब कर रहे हैं। आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे ड्रामास या प्रोग्राम या मॉर्निंग शोज या टॉक शोज ऐसे हैं जिनसे आपके इखलाक पे लड़ाई झगड़ा गाली बदजुबानी ऐसी चीजें आम हो रही। तो आप लिखेंगी बिल्कुल राइट हैंड पे इम्तिहानी मरकज, जैसे कि आपको पहले बताया गया कमरा इम्तिहान आज है 28 या 29, 28 अगस्त 2020। सेंट्रल लाइन में आ जाइए बखिदमत जनाब मदीर, मदीर के आगे हिजाइया और निदाइया, एक लंबी लाइन और एक नुक्ता। रोजनामा जंग, जंग को इन्वर्टेड कॉमास में, लाहौर। नीचे से नई लाइन शुरू कीजिए राइट हैंड से, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के बाद आप डालेंगी सजाइया और निदाइया। मैं आपके मौकर जरीदे की वसादत से अपने प्यारे हमवतनों की तवज्जो एक अहम मसले की तरफ मबजूल कराना चाहती हूँ। आज हमारी कौम और बिलखसूस नौजवान नस्ल अपनी रिवायात, अपनी इखलाकियात, अपनी तारीख और सकाफत से बेगाना नजर आती है। नौजवान लड़के और लड़कियों का लिबास, गुफ्तार, चाल ढाल बेहयाई के सांचे में ढल कर फहाशी की हदों को छू रही। यहाँ बताएंगे कि किस तरह हमारे नौजवानों का लिबास कैसा है और उनकी बोलचाल। हर बंदा लिबास में तंग पजामे और टखनों से चढ़ी हुई पिंडलियों से चढ़ी हुई पेंटें, गलों से उतरे हुए दुपट्टे और लड़कों का लड़कियों का सा लिबास पहनना, फिर बात पे बात बात पर हाथ पे हाथ मारना और लड़कियों का दूसरी दोस्तों के साथ यार कहकर बात करना, यार ऐसा हो गया, यानी ये गुफ्तार चाल ढाल में कोई ऐसा नहीं है। बड़े को धक्का दे के गुजर रहे हैं, कोई तमीज़ नहीं, तहजीब नहीं, बरहना सर, ये सब चीज़ें बेहयाई के सांचे में ढलकर फहाशी की हदों को छू। दूसरों पर तनकीद का रुझान इस कदर बढ़ गया है कि लोग अपने आप को फरिश्ता समझते हैं और दूसरों को बिलखसूस बड़ों की हल्की सी लग्जिश को माफ़ कर लेते हैं। घर में माँ, दादा, दादी, पुप्पी, मामी, चाचा, ताया, कोई कह दे आप कौन होते हैं हमारे घर में बोले, ये हमारे घर का मामला है, आपको क्या पता, आप तो यानी बात करने का अंदाज ही बदल चुका। मुआशरे के इस बिगड़ते हुए सकाफती रुझान में सबसे नुमाया हाथ हमारे ज़राए इबलाग है। आप टीवी पे देखते हैं, आप मीडिया पे देखते हैं, तो ये ज़राए इबलाग है। अखबारात में जराइम की जुज़ियात, यानी बच्ची को उठाया, उसका रेप किया, फलां किया, उसको दबा गला काट दिया बोरी में, यानी एक 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 जो डाकू आए, घुसे, ताला तोड़ा, उसने उन्होंने गन रखी, यानी कुछ लोगों को जुर्म करने का तरीका बता रहे। फिल्मी सितारों की तस्वीरें आम हैं, यानी जो आपके सेलेब्रिटीज़ हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, क्या पहन रहा है, कैसे चल रहा है, इन लोगों के कवायफ को शह सुर्खियों में छापा जाता है। यानी कि जी आज अली जफर ने लिवाइस की पतलून खरीदी, आज अली जफर ने फलाह होटल में खाना, ये बातें छापी जा रही है जैसे वो कौमी ही है। इस ज़िमन में टेलीविजन और निजी चैनल्स का किरदार काबिल एतराज़। वो कब उठ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किसने किसको थप्पड़ मारा है, किसने किसके साथ क्या ज्यादती की है, किसने तलाक दे दी है, किसने शादी कर ली है, किसने किसका बच्चा अडॉप्ट कर, यानी इनकी बातें इतनी ये लिख रहे हैं, जहाँ औरतें कभी घर की इज्जत होती थी आज वो महफिल की शान बनकर रह गई हैं। ना मालूम, और हमें यानी ये सिगरेट नोशी और नशा लोग सिर्फ अपने आप को बड़ा और अमीर जाहिर करने के लिए करते हैं, हमें अपने कुरून उला का और अपने अकाबरीन का नाम मालूम नहीं, लेकिन फिल्मी सितारों के बल
में पल पल की खबर, हमें ये नहीं पता कि कल नवी और दसवीं मुहर्रम है, इस दिन क्या वाकया था, किससे क्या जुल्म किया, क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है, लेकिन हमें ये जरूर पता होगा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे है, हमें ये जरूर पता होगा कि फलां दिन को फलां की बर्थडे है, हमें ये जरूर पता होगा फलां की शादी कब है, शादी होनी कहाँ है। यानी ये हमारे टीवी और मीडिया वाले जो है ये इतना इस बात को फैला देते हैं, इसलिए ज़राए ब्लॉग में इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए जो हमारी तारीख और दिन पर रोशनी डाले, फोहश लिटरेचर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, लोग में दीनी शऊर उजागर करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरे ख्याल को अखबार में मुनासिब जगह देंगे, मैं आपकी बेहद ममनून होंगी। अब आप ये लिखेंगे कि मुझे, मैं आपकी शुक्र को बस सलाम आपके मुखलिस अलिफ पे। जी जी बेटा, समझ में आ गया आपको? हेलो, यस मिस आ गया। इज इट क्लियर? जी मिस। अब आपने इसको भी करना है और ये चीज जो है ये सारा आप इसको करके कल इसका आपको ग्रेड बनाया था, अपग्रेड भिजवाया था आपने, क्या अगर इसको रिकॉर्डिंग कर नोट कीजिए, एक ऐसे करना है, अतले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी क्लियर हो गया? आपने इसमें बताना है कि मुहर्रम क्या है और करबला का वाक्या क्या है, इमाम हसन इमाम हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की जिंदगी, उनका करबला, कूफे में हजरत अली का आना, यजीदियत का किस तरह उनको जाल में फंसाना और यजीद का उन पर किया गया जुल्म, ये तमाम बातें जो हैं ये आप इसमें लिखेंगी। और हुसैन का कत्ल नहीं था, ये तो इस्लाम की सरबुलंदी थी, वो सूली पे चढ़ गए, लेकिन अल्लाह का नाम अल्लाह के दीन की सरबुलंदी को उन्होंने खत्म नहीं किया। ये बात क्लियर हो गई अब आप पे? आप लोग अब अपनी अटेंडेंस मुझे दे दीजिए।